दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आशा करते हैं अप्रैल के महीने में आप सारे लोग अपने अपने तालाब की तैयारी पर लगे होंगे। बहुत सारे लोग सीड का व्यवस्था करके उसमें सीड डाल भी रहे होंगे। सारे लोगों से इधर एक हफ्ता सप्ताह दिन के अंदर लगभग 50,000 लोगों से बात करने का मौका मिला। सारे लोगों का मैं फ़ोन को रिसीव किया, उनके हर सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा जो उसमें सवाल था कि छोटा अगर तालाब है तो हम उसमें ग्रास कार्प का पालन कर सकते हैं कि नहीं। जो भी 50,000 फ़ोन आया, लगभग उसमें से 80% लोग छोटे तालाब वाले ही थे, और उस 80% में से लगभग 70% लोगों का कहना था कि हम अपने तालाब में ग्रास कार्प का पालन करना चाह रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उन सारे लोगों को ये पता है कि ग्रास कार्प का जब हम पालन करते हैं तो सीड में भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, और उनका मछली का बढ़वार भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है हरा चारा देने के बाद। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ग्रास कार्प का पालन करना चाहते हैं करते हैं तो सिर्फ हरा चारा पर ही ग्रास कार्प का पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखना ये पड़ेगा आपको कि छोटा तालाब तो है, लेकिन वह इतना छोटा नहीं हो जाए कि उसमें ग्रास कार्प का भी पालन नहीं हो जाए। छोटे तालाब में आप IMC का पालन तो नहीं ही कर सकते हैं, और जब आपका तालाब बहुत ही छोटा हो जाता है तो उसमें भी ग्रास कार्प का पालन आप नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपका तालाब छोटा है तो आपको किस मछली का पालन करना चाहिए। आप ज़रूर उत्सुक होंगे यह जानने के लिए, अगर आपके पास एक छोटा ही तालाब है तो ज़रूर उत्सुक होंगे यह जानने के लिए कि हमको ग्रास कार्प अगर हम पालन नहीं करते हैं तो कौन सी मछली का पालन करें। तो हम 3-4 मछलियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी लोग फ़ोन हमसे किए हैं छोटे तालाब वाले, उनको भी हम लगभग यही जानकारी दिए हैं कि आप छोटा तालाब अगर है तो सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। नंबर एक में सिंघी मछली को ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे तालाब में आप इसका पालन कर सकते हैं, हाई डेंसिटी में भी कर सकते हैं। नंबर दो में आता है देसी मांगुर का पालन, आप देसी मांगुर का पालन कर सकते हैं। और नंबर तीन में हम दोस्तों बताना चाहेंगे कि एक टेंगरा मछली का पालन आप कर सकते हैं। वह वीडियो मेरा टेंगरा मछली के पालन का भी वीडियो आपने हो सकता है देखा होगा, तो आप टेंगरा मछली का पालन कर सकते हैं। और आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मछली है और जो बड़ी मछली है लेकिन आप छोटे तालाब में उसका हाई डेंसिटी में भी पालन कर सकते हैं, वह है आपका पंगास मछली। बहुत जगह इसको जासर के नाम में से जाना जाता है, बहुत जगह प्यासी के नाम से जाना जाता है, और कई जगह अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जब आप मन बनाए थे कि हम अपने तालाब में छोटे से तालाब में ग्रास कार्प मछली का पालन करें तो उसका भोजन का खर्च लगभग आप मान कर चल सकते हैं कि शून्य खर्च आता है भोजन में। लेकिन जब आप पंगास मछली का पालन करते हैं अपने छोटे से तालाब में तो आप हाई डेंसिटी में तो कर सकते हैं, उसका ग्रोथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके भोजन पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। डेली आपको भोजन कराना पड़ता है, और वह फैक्ट्री मेड फीड है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा फैक्ट्री मेड फीड पर, माने एक नंबर पर जो आप फीड खिलाएंगे पंगास मछली को, वह फैक्ट्री में बना हुआ फीड आप खिलाएंगे तो यह मछली बहुत जल्द ग्रो कर जाती है। 6 महीने के आसपास में यह 1 kg साइज़ की हो जाती है। इस तरह से आप पंगास मछली पालन करते हैं तो लागत आपको अधिक लगाना पड़ेगा इसके भोजन में, और सीड भी अगर आप लेते हैं तो उसको सीड खरीदने के टाइम में भी आपको कुछ ज़्यादा ही लागत लगाना पड़ता है, लेकिन फ़ायदा भी आपको होता ही है। और अगर आप फैक्ट्री मेड फीड पंगास को नहीं खिलाना चाह रहे हैं तो एक दो आदमी से हमको बात हुआ, जो भी लोग फ़ोन कर रहे थे वो भी अपना एक्सपीरियंस बताए, और हम भी एक्सपीरियंस के आधार पर जानकारी के आधार पर बताना चाहेंगे कि पंगास को भी आप राइस ब्रांड, सरसों की खली, ये सब देकर के जो आप IMC को देते हैं वह देकर के भी पंगास मछली का पालन कर सकते हैं, फिर भी उसका ग्रोथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पंगास का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट्री मेड फीड ही आपको देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि छोटे तालाब है तो जिस किसी मछली का आप पालन करें, सिंघी हो, देसी मांगुर हो, नोना टेंगरा हो, पंगास हो, आप बच्चा कहीं सही ढंग से खरीदें, सही बच्चे को लेंगे, उस बच्चे का क्वालिटी अच्छा होगा तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। जो भी फ़ोन कॉल आया जिसका हम जवाब दिए, सारे लोगों का यह शिकायत था कि अमुक आदमी से हम बच्चा लिए और मेरे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाया।
तो इससे बचने का आप उपाय करेंगे, सही जगह से विश्वस्त आदमी से ही बच्चा आप खरीदेंगे। और अगर आपको सही बच्चा चाहिए होगा तो हम एक नंबर फिर से आपको देते हैं, यह जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। वह IMC का बच्चा हो, सिंगी मछली का बच्चा हो, देसी मांगुर का बच्चा हो, टेंगरा मछली का हो, पंगास मछली का हो, ग्रास कार्प मछली का हो, या ब्लैक कार्प मछली का हो, चीतल मछली का हो, किसी भी मछली का बच्चा कहीं भी पूरे देश में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं ये दिए हुए नंबर पर कॉल करके। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।